पवन जी के साथ इसके पहले भी मैंने एक फिल्म किया था, अक्षरा जी और पवन सिंह जब साथ में रहते थे तो एक फिल्म उनकी आई थी, उस फिल्म में मैंने अभिनय किया था। लेकिन लोग जो कहते हैं पवन सिंह के बारे में, मैं तो जब फिल्म किया तो मुझे ऐसा ज़रा सा भी आभास नहीं हुआ कि पवन सिंह के जितनी लोग निगेटिव बातें करते हैं पवन सिंह ये हैं वो, ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। बहुत प्यार आशीर्वाद उन्होंने दिया, उनके साथ मैंने सीन किया, सैया सुपरस्टार नाम याद आ गया उस फिल्म का नाम। मैं लंदन में उनके साथ एक फिल्म किया, लंदन में लगभग 2.5 महीने हम लोग साथ में ही थे। फिल्म अभी जियो सिनेमा ऐप पे फिल्म रिलीज हुई है, सनम बेवफा, बेवफा सनम में सनम बेवफा, शानदार फिल्म है, आप लोग भी देख सकते। शराब शबाब ये सब चीज़ों पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री से बैक। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना ओर। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं आप इन्हें फिल्म अभिनेता कृष्ण कुमार जी के नाम से जानते हैं। आज खास बातचीत होगी फिल्मों के बारे में, इनके काम की तारीफ भी होगी और कई सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाएंगे। तैयार हैं सर? बिल्कुल तैयार हैं। सबसे पहले नमस्कार, अपना वुड की तरफ से समस्त भारतवासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करिए। सर सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने दर्शकों का शुक्रिया शुक्रिया कर दिया अपने गाने से, पूरी बात खोल कर बता दीजिए। सर मेरा ये मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल जितने भी लांछन लग रहे हैं कि गंदे गाने आते हैं, ठीक है मैं व्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ कि व्यूज गंदे गाने के ज़्यादा आते हैं, बट पता नहीं लोग कहते हैं कि अच्छा गाना नहीं आ रहा है, भोजपुरी विनाश की तरफ चल रहा है। मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ कोशिश हमारी रहती है कि एक अच्छा गाना करूँ, अच्छी फिल्में करूँ, और तमाम लगभग जिस दिन मेरी 49 फिल्में हो गई थी तो मैंने सोचा कि अगर 50वीं फिल्म होती है तो उस फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूँगा और भोजपुरी को एक समाज का जिसे आईना दर्पण लोग बोलते हैं ना, तो उस तरह की एक फिल्म बनाऊँगा। फिर कई लोगों से मैं लिखने का कहा तो लोग लिख के दे रहे थे लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, तो एक फिल्म मैंने जो बनाई है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, ये मेरी 50वीं फिल्म है और इस फिल्म का मतलब राइटर भी मैं हूँ, स्क्रीन प्ले मैंने ही किया और डायलॉग भी मैंने ही लिखा है। अब सोच सकते हैं कि मेरे अंदर वो चीज़ें थी मेरे कलम में कि मैं कोई द्वर्थी मीनिंग नहीं लिखूँगा, कोई गंदे शब्द नहीं करूँगा। समय भी दिया, करीब करीब 14 दिन में 4 गाने शूट किया मैंने। मतलब सब्सिडी के चक्कर में गाने के साथ अन्याय नहीं किए? नहीं, मेरे को सब्सिडी मैंने नहीं लिया हूँ इस फिल्म से। बहुत लोग बोले कि सब्सिडी करा लीजिए, हमने कहा सब्सिडी वाली फिल्म ही नहीं है हमारी। बहुत लोग सब्सिडी के लिए ही फिल्म बनाते हैं, बहुत लोग चैनल के लिए ही फिल्म बना रहे हैं आजकल। मैंने ये नहीं देखा कि प्रॉफिट क्या होगा, लॉस में जाऊँगा प्रॉफिट में जाऊँगा। मैंने सिनेमा बनाया कि पहले सिनेमा बनाता हूँ फिर दर्शक जो करना होगा करेंगे। जलवा है पवन सिंह का, पवन सिंह के साथ आपकी फिल्में भी आ गई हैं और बहुत चर्चा में भी चल रही हैं। कृष्ण कुमार और पवन सिंह, कौन कौन सी फिल्में आ गई हैं एक बार पब्लिक को बता दी। पवन जी के साथ इसके पहले भी मैंने एक फिल्म किया था, अक्षरा जी और पवन सिंह जब साथ में रहते थे तो एक फिल्म उनकी आई थी, क्या नाम था उसका, बड़ा प्यारा सा नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो उस फिल्म में मैंने अभिनय किया था। लेकिन लोग जो कहते हैं पवन सिंह के बारे में, मैं तो जब फिल्म किया तो मुझे ऐसा ज़रा सा भी आभास नहीं हुआ कि पवन सिंह के जितनी लोग निगेटिव बातें करते हैं पवन सिंह ये हैं वो, ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। बहुत प्यार आशीर्वाद उन्होंने दिया, उनके साथ मैंने सीन किया, सैया सुपरस्टार नाम याद आ गया उस फिल्म का नाम था। और अभी मैं लंदन में उनके साथ एक फिल्म किया, लंदन में लगभग 2.5 महीने हम लोग साथ में ही थे। फिल्म अभी जियो सिनेमा ऐप पर फिल्म रिलीज हुई है, सनम बेवफा, बेवफा सनम में सनम बेवफा, शानदार फिल्म है, आप लोग भी देख सकते हैं, शानदार अभिनय है हमारा और पवन जी का। और क्या मैं बोलूँ, रितेश जी के साथ भी एक फिल्म की चर्चा है। हाँ, रितेश जी के साथ भी इसके पहले भी मैंने फिल्म किया था, रितेश जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, जो दिखते हैं उससे ज़्यादा वो अच्छे इंसान दिखते भी हैं, मैंने सामने से जाएंगे तो। बहुत ही प्यारा आशीर्वाद मिला सनम मेरे हमराज, वो भी फिल्में जियो सिनेमा पर आ चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हैं, बहुत ही फंटास्टिक फिल्म बंटी जी ने बनाया है और मेरा काम भी लोग सराह रहे हैं कि हम लोग एक NRI नहीं रॉ एजेंट रहते हैं, बट वहाँ अलग अलग रूप लेकर के जाते हैं और जिसको पकड़ना है उसको पकड़ के फिर हम लोग इंडिया लेके आते हैं। बहुत ही फंटास्टिक मज़ेदार स्टोरी है वो, उसमें नीड थी लंदन जाना, इसलिए लंदन हम लोग गए भी थे। सर गायक तो बड़े हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अधिकतर वही नायक भी हैं, आप लोग बिना गायकी के भी नायक बने, कितना स्ट्रगल रहा, कितना मुश्किल रहा है, कम शब्दों में बता रहे। सर स्ट्रगल तो बहुत रहा, जब मैं पहली बार फिल्म लाइन में आया तो लोगों ने यही कहा मुझसे
कि भैया आप तो सिंगर हैं नहीं, आप क्यों एक इंजीनियरिंग का नौकरी छोड़ के लाखों डेढ़ लाख की सैलरी छोड़ के आप जा रहे हैं? मतलब सर पहले इंजीनियर थे? हाँ, पहले मैं इंजीनियर था, करीब करीब 15 साल इंजीनियरिंग की नौकरी किया हूँ मारुति में। फिल्म में आने का लगा कि नहीं, मैं हट्टा कट्टा थोड़ा दिख रहा हूँ, ठीक ठाक हूँ, थोड़ा भाग्य आजमाना चाहिए, तो मैं गया तो लोगों ने मना ही किया, लेकिन एक जिद और जुनून था मेरा, और मैंने ये प्रूफ किया कि आदमी चाहे जो चाहे वो काम कर सकता है। जीता जाता जागता उदाहरण है कि मेरे पास प्रोडक्शन भी है, मेरे पास मैं एक्टर भी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, सारा काम करता हूँ। हाँ, हमारे पास जितने गंदे लोग आते हैं मैं उनको किनारे कर देता हूँ। मेरा छवि ख़राब नहीं है, आप भी देखते होंगे इंडस्ट्री में कि हर काम में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, उसमें नंबर वन लोगों ने मुझे कहा, कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्टर भी हूँ, लगभग 60 फिल्में कर लिया हूँ, मेरी 50वीं फिल्म पापा मैं छोटी से बड़ी हूँ प्रोड्यूस भी किया हूँ। इसके पहले के सारे जीव को लेकर बेताब, जोजीता, सिकंदर, हीरो नंबर वन मैं ही प्रोड्यूस किया था। तो अच्छे लोगों का आप अगर संबंध फिल्म लाइन में जाएंगे तो बहुत जल्दी आपको ये ऊँचाई मिल सकती है। आप शराब शबाब ये सब चीज़ों पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री से बैक कर दे। मतलब कमजोरी यहीं बन जाती है? कमजोरी वही होती है। मुझे लोग कई बार बोलते हैं कि भैया ऐसी लड़की वैसी लड़की, कभी नाम भी नहीं जुड़ा होगा ना सुनते होंगे। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, लोग छुपा के रखते हैं। मैं अपना बर्थडे विश करता हूँ, अपने बच्चों का विश करता हूँ कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, तो मेरे अंदर कोई ऐसी नस नहीं है कि जिसको पकड़ के लोग मुझे गुमराह कर सके। मतलब गृहस्थ आदमी है, वन मैन आर्मी हूँ, अपने हाथों से सारा काम करता हूँ, विश्वास है दुनिया पे, लेकिन सोचता हूँ कि जितना काम मुझसे हो जाए उसको पहले कर लेना चाहिए, जब नहीं होगा तो दूसरे पे भरोसा करूँगा। आप पवन सिंह जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी। कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग ये कहते नज़र आते हैं कि पवन सिंह जी का परिवार नहीं बस पाया, वो काबिल नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इन शब्दों पर? नहीं, ये गलत बात है। देखिए, ये सब मीडियाबाजी है, चोचलाबाजी है, TRP वसूलने की ये सब बातें हैं। ऐसा नहीं है, खेसारी जी भी जब आए थे तो लोगों ने बोलते थे कि वो नाच में नाचते हैं तो लौंडा है, तो उनके बच्चे कौन पैदा किया। ये सब गलत की बातें हैं, ये सब लोग अपनी लिट्टी सेक रहे हैं। सब लोग अच्छे हैं, पवन जी भी अच्छे हैं, खेसारी जी भी अच्छे हैं, रितेश जी भी अच्छे हैं, दिनेश जी भी अच्छे हैं। मैं सबके साथ, मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जो दिनेश लाल, पवन जी, खेसारी जी, चिंटू जी, कल्लू जी, गोलू जी, प्रमोद प्रेमी, रवि किशन जी, सबके साथ काम किया हूँ और सबके साथ अच्छे संबंध है और सब लोग अच्छे हैं। सर, लोग कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ी गैंगबाजी है, आप सबके साथ तालमेल कैसे मिला लेते हैं, कौन सा नुस्खा है? हाँ, ये बात है कि गैंगबाजी है, इस पर मैं भी बोल रहा हूँ कि गैंगबाजी तो है, सबकी अपनी लॉबी है। मैं किसी के लॉबी में नहीं रहता हूँ, अपने कर्म पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, फालतू की बातें नहीं करता हूँ, जितना काम है उतना ही काम करता हूँ। इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है। पवन जी मिलते हैं बोलते हैं अरे कृष्णा भाई बड़े अच्छे हैं, खेसारी जी मिलते हैं बोलते हैं कि जितना काम अपना करते हैं काम से काम रहता है, फालतू गुरी से मतलब नहीं, सबके साथ बहुत अच्छे संबंध है हमारे, इसलिए लोग मुझे फिल्में जब कास्टिंग होती है तो बुला देते हैं और साल के 8-10 फिल्मों में मैं बिजी रहता हूँ। और कौन कौन सी फिल्में आपकी आ रही हैं जो बड़ा धमाल कर सकती हैं? अभी तो नेक्स्ट मंथ में प्लानिंग है मेरी अपनी खुद होम प्रोडक्शन पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, और इसके बाद बहुत सारी फिल्में हैं, अभी नाम मुझे खुद नहीं याद आ रहा है क्योंकि काफ़ी फिल्में हो गई है, और लगभग इस महीने में 4-5 फिल्में भी रिलीज हो गई हैं हमारी। गमार दूल्हा पेंडिंग में पड़ी थी वो रिलीज हो गई है, पहला पहला प्यार रिलीज हो गई, उसके बाद बता रहे थे जियो पे जो फिल्में आई है, ये सारी फिल्में इसी महीने में रिलीज हुई है। हाँ, अभी एक विद्यापीठ मेरी बहुत अच्छी फिल्में आने वाली है, कल्लू जी के साथ मैंने किया है, और एक और कल्लू जी के साथ फिल्म है प्यार के देवता, वो भी रिलीज पे है। इसकी ट्रेलर एक आ चुका है, एक अभी आना बाकी है। तो 3-4-5 फिल्में अभी हैं लाइन में, और सामने आगे भी फिल्में, कई सारी फिल्में हैं जो काम चल रहा है, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। सर, गायक किसको पसंद करते हैं भोजपुरी में? देखिए, ऐसा कुछ नाम लेना तो गुनाह हो जाएगा क्योंकि सब लोग गायक हैं, चाहे वो खेसारी जी हों चाहे पवन जी हों, सबके अपने अपने लेवल है, सबके मिलियन व्यू जाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि खेसारी जी खराब गाते हैं, पवन जी अच्छा गाते हैं या कल्लू जी अच्छा गाते हैं। आप किन के गाने ज़्यादा सुनते हैं? मैं गाने तो जो गाने अच्छे लगते हैं ना मेरे कान को, चाहे वो खेसारी जी के बहुत सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे कुछ गाने पवन जी के बहुत अच्छे लगते हैं, कल्लू जी के बहुत अच्छे गाने कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने अपने स्केल हैं। पवन जी का जो स्केल है जो खेसारी जी नहीं गा सकते, खेसारी जी को स्केल है जो वो नहीं गा सकते हैं। आजकल सर जलवा नीलकमल सिंह का भी? हाँ, नीलकमल जी हैं, रियली मैं फैन हूँ उनका, नीलकमल जी के सारे गाने मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं, और बस उनको पर्दे पे देखना चाहते हैं कि कब पर्दे पे आएँ, क्या उनकी प्लानिंग चल रही है ये तो मुझे पता नहीं है। नीलकमल जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी लंदन में, वो एल्बम उल्बम करने गए थे तब। सर, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई एक बहुत शानदार फिल्म बनी है, बड़ी मेहनत की है आपने, एक बड़ा सब्जेक्ट है, कब तक सिनेमाघरों में लोगों को देखने को मिले?
पूरी उम्मीद है कि 15 जुलाई के पहले, मेरी कोशिश है सात कुछ फ्राइडे है कि 7 जुलाई को फिल्म को लाएं। अभी बिहार में बात चल रही है, अगर डेट मिल गया तो 7 को नहीं तो 15 तक फिल्में ये ऑन थिएटर कर दूंगा। जे भी लोग कृष्ण कुमार के देख रहल बा, जे भी भोजपुरी दर्शक बाड़े, वो सबके अभिनेता कृष्ण कुमार जी का कहब? अपना उड़ के तरफ से आप सबन के हम ये कहब कि रोरा लोगिन एक इंजीनियर के मुंबई तक पहुँचौनी, अपन प्यार आशीर्वाद देनी, जैसे हमारा के मुंबई तक पहुँचौनी, अपना उड़ के भी रोरा लोगिन वो मुकाम तक पहुँचाई कि हमारे इंटरव्यू जैसे लेते लेते एकदम मिलियन व्यू पहुँच जाओ। बस हम यही रोरा लोगिन से गुजारिश करब और हमरो कैसे ये प्रेम आशीर्वाद देत रहब। चलिए, ये थे फिल्म अभिनेता कृष्ण कुमार जी, शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। बड़ी मेहनत के साथ कोई व्यक्ति अभिनेता बनता है, ये उस दौर का अभिनेता है जब गायक ही अभिनेता बनते थे, लेकिन उस दौर में इन्होंने बिना गायकी के भी खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया और आज भी जलवा कायम है। बड़ी फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जिन्हें आप वितरक भी कहते हैं। तो आपको बताते चले कि शानदार फिल्में बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी फिल्में जियो सिनेमा पर रिलीज हैं, जिनमें सनम बेवफा और सनम मेरे हमराज खास बड़ी फिल्में हैं। पापा में छोटी से बड़ी हो गई एक बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं, सिनेमाघरों के साथ साथ बड़े चैनलों पर भी रिलीज होगी, टीवी पर भी रिलीज होगी, देखने के लिए तैयार रहिएगा। तो ऐसे मेहनती कलाकार को ढेर सारा प्यार दीजिए जो भोजपुरी को साफ सुथरा बनाए रखने में भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और हस्ती से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।